ग्वालियर जिले में एक दिवसीय प्रवास पर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने नगर के तानसेन होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की। आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेसियों पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी व इंडी गठबंधन का नया करप्शन जनता के सामने आ रहा है। कांग्रेस ने केवल टैक्स की ही चोरी नहीं की बल्कि 2004 से 2014 तक देश में बहुत से घोटालों को भी अंजाम दिया है। एक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां देश की 140 करोड़ जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि उनके खून पसीने की पाई पाई देश को समर्पित है, तो वही भ्रष्ट कांग्रेस और इंडी गठबंधन का नया करप्शन जनता के सामने आ रहा है।